हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, फाइनली पोषण ट्रैकर ऐप में फिर से आप सभी के लिए एक नया अपडेट कर दिया गया है, 21.7। बहनों, इस अपडेट में आप सभी के लिए तीन महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या हैं, चलिए आपको आगे इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख ही पा रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो अब नए अपडेट दे रहा है आप सभी को। जैसे कि आप सभी को याद होगा, जो 21.5 का अपडेट दिया गया था, जिसमें आप सभी के लिए जो एक नया लॉगिन पेज दिया गया था, जिसमें आप सभी के लिए जो है बेनिफिशियरी लॉगिन पेज का जो ऑप्शन दिया गया था। तो बहनों, फिर से जो है पोषण ट्रैकर ऐप इसी प्रकार के कुछ अपडेट लेकर आया है, साथ में और भी महत्वपूर्ण अपडेट है। चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरा प्रोसेस बता देते हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे अपडेट लिख के आ जाएगा। तो आप लोग सिंपली यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर से, पता ही है आप लोगों को किस प्रकार से अपडेट करना है। तो चलिए हम यहाँ से बैक कर लेते हैं और प्ले स्टोर पर आ जाते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे पोषण ट्रैकर, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो आप सभी के सामने यहाँ पे जो है अपडेट का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्या नया अपडेट है, चलिए हम आपको यहाँ पे एरो वाले पे क्लिक करके दिखा देते हैं। तो बहनों, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नया जो अपडेट है वो क्या है। पहला जो यहाँ पर दे रहा है, फेस रिकॉग्नाइजेशन एंड EKYC फॉलो हैज बिन मर्ज, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो फेस रिकॉग्नाइजेशन का जो ऑप्शन था, जो EKYC वाला जो ऑप्शन था, उसको मर्ज कर दिया गया है। यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप EKYC का जो ऑप्शन है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आंगनबाड़ी सेविका बहनों के लिए, क्योंकि हर लाभार्थी का जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप में EKYC करना इम्पॉसिबल था, जिसके वजह से हो सकता है कि ये पोषण ट्रैकर ऐप से इस ऑप्शन को हटा दिया गया होगा। लेकिन ये ऑप्शन हट जाने से आंगनबाड़ी सेविकाओं के मन में काफ़ी खुशी होगी कि ये काम थोकों के ऊपर जो आया था वो कम हो चुका है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर दूसरे अपडेट की बात करते हैं। जो दूसरा अपडेट दिया गया है वो बेनिफिशियरी इंटरफेस हैज बिन रीइंट्रोड्यूस, यानी कि जो बेनिफिशियरी इंटरफेस आप लोगों को 21.5 के अपडेट में दिया गया था उसको हटा दिया गया था 21.6 के अपडेट में। लेकिन फिर से क्या किया गया है कि पोषण ट्रैकर ऐप द्वारा 21.7 का जो अपडेट दिया गया है, इसमें आप लोगों को फिर से जो है वो 21.5 वाला जो फीचर आप लोगों को देखने को मिल रहा था, जिसमें लाभार्थियों का लॉगिन के लिए जो ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आप लोगों को लॉगिन के लिए बोला गया था, जो नया लॉगिन पेज दिया गया था, वही लॉगिन पेज आप लोगों को फिर से इस अपडेट में दे दिया गया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तीसरे अपडेट के बारे में जानते हैं। EKYC लिंक फ्रॉम एक्शन सेंटर एंड मोर सेक्शन इज रिमूव्ड, यानी कि जो आप लोगों को EKYC वाला जो ऑप्शन था मोर सेक्शन वाले में भी देखने को मिला था, और जो आपको होम पेज दिया गया था उस पर भी जो एक्शन सेंटर होता है, तो दोनों जगह से जो EKYC वाला ऑप्शन है उसको बिल्कुल हटा दिया गया है पोषण ट्रैकर ऐप से, ठीक है। ठीक है, तो अब आप लोगों को करना क्या है कि अपना अपना पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लेना है। और अगर आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में आज के दिन के जो भी वर्क है अगर आप लोग नहीं किए होंगे तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि नया अपडेट आने के बाद आप लोगों को लॉगिन वगैरह करने में कुछ दिक्कत हो, तो जो काम छूटा हुआ होगा उसको आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कीजिएगा, ठीक है। अपडेट हो जाने के बाद चलिए हम यहाँ पर सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो नया इंटरफेस आप लोगों को 21.5 के अपडेट में दिया गया था, फिर से वही इंटरफेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि इस प्रकार से जो है फिर से आप लोगों को एक नया लॉगिन पेज दे दिया गया है, यानी कि एक नया इंटरफेस पोषण ट्रैकर ऐप का इस प्रकार से अब आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर जो आंगनबाड़ी वर्कर वाला ऑप्शन है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले क्या था कि आप लोग लॉगिन करने के लिए जाते थे तो वहाँ पर जो एक नया इंटरफेस देखने को मिला था, जहाँ पर आप लोगों को MPIN रीसेट करने का जो ऑप्शन दिया गया था वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, जिस प्रकार से आप लोग लॉगिन कर रहे थे अभी पोषण ट्रैकर ऐप में, वही अपना MPIN और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आप लोगों को सिंपली लॉगिन कर लेना है यहाँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और MPIN डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए हम लॉगिन करके आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना मोबाइल नंबर और MPIN डालेंगे, जिस MPIN से आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन कर रहे थे वही MPIN आप लोग यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे सिंपली लॉगिन वाले पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो पोषण ट्रैकर ऐप में EKYC वाला जो ऑप्शन आप लोगों को एक्शन सेंटर में दिया गया था वो ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि EKYC का जो ऑप्शन है यहाँ से आप लोगों को पूरी तरीके से पोषण
लेकर ऐप से हटा दिया गया है। यहाँ पे मोर वाले सेक्शन में भी आएंगे और यहाँ पे भी हम लोग देखते थे एक ई केवाईसी का जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा था, वो ऑप्शन भी आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप से हटा दिया गया है। ठीक है, तो पोषण ट्रैकर ऐप में बस यही अपडेट है कि आप लोगों का जो है लॉग इन पेज चेंज कर दिया गया है, यानी कि री इंट्रोड्यूस करके आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में दिया गया है, और जो ई केवाईसी वाला ऑप्शन है उसको यहाँ से हटा दिया गया है पोषण ट्रैकर ऐप से, और जो फेस रिकॉग्नाइजेशन का भी ऑप्शन कई जगहों पे कई राज्यों में लागू किया गया था उसको भी हटा दिया गया है। तो ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पोषण ट्रैकर ऐप से रिकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।